नमस्कार नमस्कार किसान भाइयों, कृषि ज्ञान के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से आने वाले प्रवीण बिश्नोई जी जुड़े हैं, जो कि एक प्रगतिशील किसान है और पिछले काफी दिनों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और वही ये 2018 से किन्नू की सफलतापूर्वक बागवानी कर रहे हैं और फिलहाल इनके पास 14 बीघा में किन्नू का बाग लगा हुआ है और इसी खेती से ये अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो आज की चर्चा में उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो किन्नू की जो खेती है किसानों के लिए क्यों लाभकारी है, किसान इसी खेती से कितना लाभ कमा सकते हैं, इसी खेती में लागत कितना आता है, साथ ही और किन्नू में कोई रोग लग जाए तो उसका प्रबंधन कैसे करें, इसमें पोषक तत्व तो प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, सिंचाई के लिए क्या माध्यम अपना सकते हैं, साथ ही मंडीकरण कैसे कर सकते हैं। तो प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें। जी प्रवीण जी, जी सर, सर फोन आ गया था, दोबारा बोलना। इच्छुक है जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, संग्रिया तहसील माला रामपुरा गांव से हूँ मैं। आप पिछले कितने सालों से खेती करते आ रहे हैं? मैं 10 सालों से प्रॉपर खेती करता आ रहा हूँ, बाकी हम जी मतलब खेती परिवार से ही हम जुड़े। जी जैसा कि आज के चर्चा का जो मुख्य विषय है कि किन्नू खेती से अच्छे पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखें, तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा पहला सवाल है कि किन्नू खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? जलवायु अंडर 50 डिग्री तापमान रहे, 40 के आसपास तापमान रहे, और सर्दी गर्मी दोनों, 300 रुपये। और अच्छी मिट्टी हो, तो इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? इसी खेती के लिए मिट्टी मतलब किस प्रकार की उपयुक्त होती है जिस पर इसकी अच्छी खेती हो सकती है? ये लाल मिट्टी हो जो अच्छा खेती हो, उसमें सफेद मिट्टी ना हो, नीचे मतलब सोरा ना हो, फिर ही कामयाब है। जी, यदि इसकी जब बुआई हम करते हैं तो उस समय जो तापमान है उचित तापमान कैसा होना चाहिए? सर ये 2 टाइम लगता है, एक तो पानी की व्यवस्था अच्छी हो तो आप लगा सकते हो 7वें महीने में, 8वें महीने में, फिर लगता है ये जनवरी फरवरी में, जी, यानी जुलाई और अगस्त आठ और से जनवरी लेकिन 10वें 11वें महीने जनवरी तक लगता ही रहता है लगाना हो तो पौधे। कंटिन्यू इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ जी, हाँ जी, पानी होना चाहिए मौके पे, तो सिंचाई की सुविधा सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसमें सिंचाई की सुविधा है, चाहे ड्रिप से करो चाहे फ्लड पानी आपके पास अच्छा है तो फ्लड। जैसे कि राजस्थान को बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की दिक्कतें हैं, तो किन्नू खेती में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? सर ड्रिप, अगर ड्रिप लगी है आपके पास तो वो तो पौधे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी देना ही पड़ता है, हफ्ते 10 दिन में, गर्मी ज्यादा हो तो दो दो 3 3 दिन में ही देना पड़ता है। अगर फ्लड की व्यवस्था है तो फिर गर्मियों में ज्यादा पानी लगाने पड़ते हैं इसको। अच्छा, तो आपके अनुसार फ्लड वाला जो परंपरागत सिंचाई का जो माध्यम है वो, या फिर ड्रिप इरिगेशन, कौन सा फायदेमंद है किन्नू खेती के लिए? ड्रिप बढ़िया रहता है, इसमें पानी की लगभग कितनी बचत हो जाती है और पैसों की भी कितनी बचत हो जाती है? जाहिर सी बात है फ्लड वाले में काफी ईंधन खर्च होता होगा। हाँ ईंधन भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, पानी भी ज्यादा मात्रा में लगता है। ड्रिप में पानी बहुत कम लगेगा, सही टाइम पे यूज होगा, फ्लड में तो बहुत ज्यादा पानी वेस्टेज होती है। जी, अच्छा, आपने बताया कि मतलब इसकी जो खेती है जुलाई अगस्त लेकर जनवरी तक आराम से हो जाती है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इसकी बुआई जब करनी होती है तो इसकी बुआई कैसे होती है? जैसे कि मतलब गड्ढे का आकार कैसा होना चाहिए, दो तीन तरह, उसमें अगर क्या क्या डालते हैं? जी तो खेत अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे पौधे लाओ और आप गड्ढा मारो और लगा दो। अगर आपने थोड़ी और केयर करनी है तो उसमें 3 बाई 3 का गड्ढा खोदो, उसमें खाद मिलाओ, गोबर की खाद या कोई माइक्रो राजा वगैरह डाल के उसे वापस भर दो बढ़िया मिट्टी से,
और फिर लगाओ आप। जी। अच्छा, क्रॉप कोई भी हो उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बेहद जरूरी होता है, पोषक तत्व प्रबंधन बेहद जरूरी होता है। तो इसमें जो है फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से उर्वरकों की आवश्यकता होती है, और फिलहाल आप कौन से उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं? सर मेरे पास अभी तो वैसे तो गोबर की खाद डालता हूँ 2 बार, और उसमें माइकोराजा है, जाइडेक्स है, मैं वो डालता हूँ, एक जाइडोनिक्स उसका है, माइकोराजा क्या नाम उसका, स्प्रे करनी पड़ती है उसको सुरक्षा नाम से, और गोबर की खाद में गोधन नाम से आता है, उसे तैयार करके और वो डालनी होती है। अच्छा, तो ये जो गोधन से गोबर खाद मतलब कैसे तैयार करते हो? गोधन से अभी खाद बेड बना लिया, उस पे गोधन डाल के एक बार पानी भर दिया, और उसमें थोड़े थोड़े सुराख करके अंदर तक चला गया, वो 1 महीना रहेगा, वो सारी गोबर की खाद में मिलके और वो तैयार हो जाएगी, फिर उसमें माइक्रोराजा वगैरह मिला लेंगे इनका, और फिर पौधों में पौधे की कैपेसिटी। माइक्रोराइजा भी आप जाइडेक्स कंपनी का ही यूज करते हैं? हाँ मेन जाइडेक्स का स्प्रे उसकी होती है, अभी गोधन है उसका इस टाइम मौके पे। तो ये जो आपने सुरक्षा उत्पाद का नाम बताया, ये जो उत्पाद है ये किस कंपनी का है? ये यही जाइडेक्स का ही है जी, जाइनोनिक्स भी जी, जाइडेक्स कंपनी का ही है, सुरक्षा मतलब नाम। आपके यहाँ जाइडेक्स कंपनी की अच्छी अच्छी रीस है। मतलब हाँ जी, हाँ जी, इसकी बढ़िया। जो उत्पाद है आप पिछले कितने सालों से यूज कर रहे हैं जाइडेक्स का? जाइडेक्स का मैंने 2 साल ही हुए सर, अभी तो पहले मैंने नहीं किया, अभी 2 साल से शुरू किया है। तो इसमें आपने जो पहले जो खेती जो कर रहे थे, जो अन्य कंपनियों के उत्पाद इस्तेमाल कर रहे थे, जेडिक्स फिर इस्तेमाल आपने करना शुरू कर दिया, तो जी आप पहले जो आप खाद इस्तेमाल कर रहे थे और बाद में आपने जेडिक्स कंपनी का खाद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो इस दौरान आपने दोनों में विशेष परिवर्तन क्या पाया? विशेष परिवर्तन सर, तो वो खराब हो रहे थे मेरे, जो पौधे खराब हो रहे थे पीले पड़ रहे थे वो बढ़िया हो गए, इस बार किन्नू का साइज अच्छा बना है तो बढ़िया सुधार हुआ चीज। तो यानी कि मत पोषक तत्व प्रबंधन इतना बेहतर हुआ है कि फल का आकार भी बेहतर हुआ है, क्वालिटी भी, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हुई है, हाँ जी, पौधे हाँ भी अच्छे हो गए हैं। जी, जी। अच्छा, किन्नू की खेत में कौन कौन से रोग और कीट लगने की संभावना होती है, और कौन से रोग या कौन से वो रोग होते हैं जिनकी वजह से मतलब पूरे के पूरे बाग खराब होने की संभावना होती है? सर किन्नू में आजकल सिट्रसिला, हरातेला ये चीजें होती है, इनके लिए स्प्रे करनी पड़ती है, फंगस की दिक्कत ज्यादा रहती है, उसका मैनेज करना पड़ता है। एक आजकल है व्हाइट क्रब की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इनका इनके बारे में बचाव रखना होता है, ये चीजें होती है मेन। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आप देखेंगे कि ये पिछले कुछ सालों में जैविक उत्पादों की मांग जो है काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, और ऑर्गेनिक वर्ड जो है लोगों के जुबान पे आ गया है। पहले इसकी चर्चा लोग विशेष रूप से नहीं करते थे, कोविड से पहले ज्यादा इसकी चर्चा नहीं होती थी, कोविड के बाद ज्यादा चर्चा होने लगी है। तो आप जो ये खेती कर रहे हैं वो जैविक तरीके से कर रहे हैं या रासायनिक तरीके से, या फिर दोनों के जो बीच का जो मध्य का जो रास्ता है उस रास्ते से? दोनों ही जरूरत के हिसाब से होती है, अभी भी जो सिपसिला वगैरह आती है उसके लिए दवाइयां डालनी पड़ती है, लेमडा वगैरह इकटारा जी ये डालनी पड़ती है, और गोबर की खाद में चीजें मिलाते हैं वो जैविक टाइप की है, जैसे अभी गोधन है ये बायो प्रोडक्ट ही है, इसके कई प्रोडक्ट बायो ही आ रहे हैं, तो दोनों ही चीज मिला जुला के करना होता है तो काम हो गए। अच्छा, तो जैसे आपने जॉय टॉनिक एम का नाम लिया, तो जॉय टॉनिक एम का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं अपने क्रॉप में? वो सब वो तो वो खाद में मिला के गोबर की अच्छा, उसे छोड़ के और फिर पौधों में डाल के और पानी चलाते हैं, और गोधन भी उसी में मिलाया जाता है, वो सिर्फ खाद तैयार करने के लिए मिलाया जाता है गोधन को? पहले खाद तैयार की जाती है 1 महीने के लिए, खाद जी प्रॉपर तैयार हो जाएगी, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, फिर वो उसमें कोई भी खाद माइकोराजा मिला दो जो आपने मिलानी है कुछ वो मिला के और डालो। जी अभी जो आप जो है
किन्नू की फसल में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो, सिर्फ उसके लिए जाइडेक्स के ही उत्पाद आप इस्तेमाल करते हैं या फिर और भी कोई जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं? जैविक खाद और अलग से मेरी नहीं है, बाकी तो वो टाइम पे यूरिया या 12-32 सुपर वो तो डालनी होती है, वो तो अलग चीज है। हाँ जी जी हाँ। अच्छा, इसमें कहा जाता है कि किन्नू में बाग में जो है पानी नहीं ठहरना चाहिए, पानी ठहरता है तो दिक्कतें आती हैं, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? और पानी उस खेत में ना ठहरे उसके लिए किसानों किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पानी ठहरे ना, खेत ड्रिप में? जी पानी से क्या है जी, एक पौधे का रोग दूसरे पौधे में चलता चला जाता है, उससे दिक्कत बढ़ती है। जी ज्यादा पानी लगाएंगे, ड्रिप की व्यवस्था नहीं होगी, एक पौधे का रोग दूसरे में जाएगा। जी अच्छा, आपसे अगला सवाल यह है कि जैसे आप 14 बीघे में अब खेती करते हैं, तो आपके यहाँ 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? में आपके होगा यहाँ, आपकी आवाज में नहीं सुन पा रहा हूँ। 1 एकड़ में, मतलब हमारा बीघा है 8-5 कनाल का, और 1 एकड़ होता है 8 कनाल का, लगभग 1.5 बीघा के आसपास हो जाएगा। 1.5 बीघा इक्वल टू 1 एकड़ होता हाँ जी हाँ जी है। जी। अब आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि प्रति एकड़ लगभग इसमें खेती में लागत कितनी आ जाती है? जैसे अभी पौधे की सेवा कर रहे हैं, पौधे में अगर हम खाद पानी डाल रहे हैं, अगर प्रॉपर पौधा 10-12 साल का है ऊपर, तो कम से कम 20 से लेके 25 हज़ार रुपये बीघे की खर्चा आएगा ही आएगा किन्नू में। लागत लागत कितनी आती है? लागत हाँ लागत यही कह रहा हूँ, जी जी खर्चा आएगा इतने में, उसमें खाद है, उसका स्प्रे है, उसमें बुआई है, उसकी कटाई है, उसको सारा जोड़ के 20 से 25 हज़ार रुपये, तो बढ़िया खर्चा है। लागत में जो है और लागत जो कम किया जा सके उसके लिए आप जो अन्य जो किसान हो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सर लागत तो लगानी पड़ेगी, जब प्रोडक्ट निकलेगा आपको, प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगा नहीं, लागत तो लगानी पड़ेगी। इससे कम जी लागत में फिर वो प्रोडक्ट कम होगा, फिर वो फायदा नहीं है, वो पौधे जमीन उत्पादन नहीं। जी तो आपसे अगला सवाल ये है कि एक जो आप किन्नू का जो पौधा है कितने सालों में अधिकतम उत्पादन देने लगता है? ये देने लगेगा सही उत्पादन सर 12-13 साल के ऊपर ऊपर, 12 से 25-30 साल तक जाएंगे तब उत्पादन। 10 से 12 साल में अधिकतम उत्पादन देने लगता है। हाँ जी बढ़िया उत्पादन, वैसे तो देने लगे 5-6 साल से, पर प्रॉफिट जी वाला उत्पादन 10-12 साल से ऊपर जाने लगेगा ना, तब देने लगेगा। तो अभी मतलब जो 10 से 12 साल जैसे बता रहे हैं, तो एक पौधे से लगभग कितना उत्पादन होने लगता एक पौधे से है? कम 2 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल ऐसे तक पहुंचने लग जाएगा, तो 12 क्विंटल तक तक, पौधा होगा। 10 से 12। तो अभी जो है आपके पास लगभग कितने प्लांट मेरे पास है 950 प्लांट। हैं? 950 पौधे आपके बाग में लगे हुए, हाँ और ये जी जो पौधे जो आपके बाग में लगे हैं कितने दूरी पे लगे हैं? ये 20 बाई 20 पे है। 20 बाई 20 पे लगा है, तो एक तो दूरी मतलब काफी है। तो क्या इसमें आप कोई फसली खेती भी करते हैं? नहीं करते सर, पर पौधा इतना बनता नहीं अच्छा, अगर बीच में लेंगे तो पौधा जो 10 साल में बनना है वो 15 साल में बनेगा। तो आपने जो अपना जो फल लेना जो शुरू किया था वो आपने कितने सालों के बाद फल लेना शुरू किया था? अभी 6 साल हुए जी, इस बार फल आया है सही। अच्छा, पिछले 6 सालों में आप पहली बार जो आया है फल जो है अच्छा आया जी हाँ जी है। जी। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, पर टेम्परेचर मतलब काफी आपके यहाँ तो राजस्थान में कई बार नीचे बहुत नीचे चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप पौधों को बचाने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? सही, कोई सप्लाई करनी पड़ती है सर जी,
जैसे सुरक्षा की स्प्रे कर दी, कभी टेम्परेचर अप डाउन हुआ तो वो उसे थोड़ा सा मेंटेन कर लेगी। बाकी जी तो अपना काम दिखाती है। अभी जैसे ड्रॉपिंग ज्यादा है प्रकृति में, टेम्परेचर अप डाउन ज्यादा है, गर्मियों में आजकल 50+ जाने लग गया, तो पौधे खराब होने लग गए, तो जी उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी थोड़ी बहुत अपनी तरफ से सुरक्षा कर सकते हैं। अच्छा, आपसे मेरा आखिरी सवाल मतलब ये है कि जो आप पौधों की बुआई करवाते हैं, किए हैं, तो उन पौधों का चयन आप कैसे करते हैं कि मतलब ये जो पौधा है बेहतर? बहुत सारे ऐसे किसानों की शिकायतें होती हैं कि मतलब कि हमारा जो पौधा है बोया तो था, लेकिन वो जो बोया था वो उस मन मुताबिक हमें वो फल उत्पादन उससे नहीं मिला, हमें हटवाना पड़ा। तो आपने अपने बागों का चयन कैसे किया है? मैंने तो, मेरे बड़े भाई साहब हैं बुआ जी के लड़के वीरेंद्र जी लांबा, उनकी खेती टोक में रहती है, उन्होंने जैसे जो बोला वहां से हम पौधे लेके आए और वो ही लगाए थे हमने। अच्छी मतलब अच्छी नर्सरी फार्म से लिए हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, उनके कहने पे लिए, रिकमेंड उन्होंने किया था। जी, तो एक पौधे का कीमत कितना पड़ा था? एक पौधा आया था उस टाइम 90 रुपीज में विद लगाई। जी अच्छा, अगर पहले साल की बात करें तो लगभग प्रति बीघा किसानों की लागत कितनी आ जाती है, प्रति बीघा या प्रति एकड़ पहले साल? सर देखो, 60 तो 65 पौधे लगते हैं एक में, एक बीघे बीघे में। में हाँ जी, तो पौधे पौधे के हिसाब से लगाइए, फिर ड्रिप इरिगेशन करोगे तो 30-32 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये तक ड्रिप के खर्चा आएगा बीघे में। जी, हाँ जी, तो बाकी आपने जो क्योंकि ड्रिप जी मिलाओगे तो खर्चा बैठेगा एक बार तो। जी तो आपने ये जो ड्रिप इरिगेशन लगाया है तो क्या उसमें आपको सब्सिडी भी मिली है कोई? जी हाँ, कुछ सब्सिडी मिली है। अच्छा, प्रवीण जी आप पिछले 6 सालों से किन्नू की खेती कर रहे हैं, बाकी एक दशा से कृषि से जुड़े हुए हैं, तो कृषि जान के जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, उनको आप अपने अनुभव के आधार पर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बाग में किन उर्वरकों का इस्तेमाल करें जिससे उनके बाग अच्छे हों, किन बातों का विशेष ध्यान रखें कि जिससे उनके बाग कभी खराब ना हो, अच्छी उपज मिले? सबसे मेन तो है जी, इसमें मिट्टी सही होनी चाहिए आपके नीचे। अगर किन्नू लगा रहे हो, मिट्टी जांच करे बगैर किन्नू मतलब हो जी। फिर दूसरा नंबर है नर्सरी, आप अच्छी चयन करो, ड्रिप इरिगेशन करो और बढ़िया खाद पानी डालो, बढ़िया खाद डालो, खादें दो उसकी, नजायज खादे खुदे ज्यादा मत डालो, ज्यादा डालने से किन्नू की क्वालिटी डाउन होती है, पर डालो जरूर। तो आपने अपनी अपनी चर्चा के दौरान आपने कहा कि जायडेक्स कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, तो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हुआ है। लाभकारी सिद्ध होगी। जी प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को समाप्त करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि कृषि जागरण जो है पिछले 28 सालों से कृषि क्षेत्र में निर्माण रूप से कार्यरत है, और इस दौरान कृषि जागरण ने किसान इसमें कई सारे बड़े पहल किए हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी पहल है मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, जिसका आयोजन विगत वर्ष IRI पूसा मेला मैदान में हुआ था, जो 6 से 8 दिसंबर तक चला था। तीन दिवसीय इवेंट था। 3 दिवसीय किसान महाकुंभ में देश भर के लगभग सभी जिलों से किसान आए थे, जिनको जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। ये जो अवार्ड था, जो विगत वर्ष जो है सिर्फ 15 कैटेगरी में किसानों को दिया गया था, लेकिन इस वर्ष जो है इस अवार्ड को 300 कैटेगरी में दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे किसानों की मांग थी कि हम हमारे कैटेगरी हम जिन फसलों की खेती करते हैं या फिर जो भी कृषि क्षेत्र में करते हैं तो हमारे अनुसार कैटेगरी नहीं है, इसलिए इस बार जो 300 कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि इस बार जो है पूसा IRI मेला मैदान में सेम उसी स्थान पे 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित होगा। तो इसमें यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मैं चाहूंगा कि आप भी रजिस्ट्रेशन करें, और इसके अलावा अन्य जो किसान भाई इस चर्चा को हमारे सुन रहे हैं, यदि किन्नू की बागवानी करते हैं, खेती करते हैं, या अन्य फसलों की खेती या बागवानी करते हैं, तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसके लिए MFOI, जो गूगल पे सर्च करेंगे MFOI, तो उसकी वेबसाइट विजिट करेंगे, वो 12 भाषाओं में वेबसाइट है, अपने भाषा के अनुसार उसमें से भाषा अपना चयन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि उनके प्रोफाइल को कृषि जान और कृषि जान के जो ज्यूरी मेंबर है वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो उनको जरूर उनको दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा और उनको यहाँ पे उनको सम्मानित किया जाएगा।
तो इसी के साथ इस चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और परमेश्वर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही कृषि आप आगे भी जुड़े रहें और किसानों को खेती से संबंधित लाभकारी जानकारी देते रहें। तो कृषि जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। धन्यवाद। चलो तो गुजबंद लीव गीत रही बंद मीटिंग हो रहे हैं हो ओके बंद हो वही हमें। चलो